हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जागृति। कुक विद जागृति में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आलू के हॉट चिप्स, जो बाज़ार में मिलते हैं ना। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और तीन आलू, और ये चिप्स की मशीन है। तो इसमें मैं तीन कट लगाऊंगी, और लेकिन पूरा आलू को पूरी तरह से नहीं काटना है। पीछे का जो हिस्सा रहता है ना, थोड़ा वहाँ तक ले जाना है बस, और छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे तीन कट लगा लेती हूँ। आलू छोटा बड़ा किस हिसाब से उसे, तो उसी तरह से आपको इसमें कट लगाना है। तो मैंने इसको तीन जगह से काट लिया है, और पीछे से पूरा नहीं काटा है इसको, वहाँ पे छोड़ दिया है थोड़ा सा, जिससे कि हमें ये चिप्स बनाने में आसानी हो। तो हम अभी ये चिप्स की मशीन से इसको ऐसे लंबे लंबे काट लेंगे। आप चाहें तो आलू को छील सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं छीला है, क्योंकि अभी हम जब उसको फ्राई करेंगे ना, तो उसमें कुछ भी दिखता नहीं है कि ये छिला हुआ आलू है कि नहीं है। अगर आप चाहें तो छील भी सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं इस तरह से, ना बहुत मोटा होना और ना ही बहुत पतला होना है। तो यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे चिप्स कट कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इस तरह से मैंने ये सभी काट लिए हैं। थोड़ा इसको संभल के काटना, क्योंकि ये बहुत शार्प होता है। देखिए लास्ट में इस तरह से रहता है ना, क्योंकि लास्ट में जॉइंट रहता है ना, तो इसको इस तरह से निकाल देंगे। अभी इसको हम पानी से दो तीन बार धो लेंगे, जिससे कि जो आलू का जो माड़ सा रहता है ना, वो निकल जाए। तो मैंने ये दो तीन बार धो लिया है इनको। अभी मैंने थोड़ा सा सुखा लूँगी, थोड़ा हल्का सा ही सुखाना है, पूरी तरह से नहीं सुखाना है। तो किसी भी कॉटन के कपड़े पे मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ कर लूँगी। देखिए मैं इस तरह से इसको ऊपर से एक और टॉवल डाल के इसको पोंछ लेती हूँ। पूरा पानी अब्जर्व कर लेगा। तो इस तरह से हमें, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, सिर्फ 10-5 ही मिनट लगता है। जब तक ये सूखेगा, तब तक हम अपना इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेंगे इसका। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है, और ये चावल का आटा है, 2 चम्मच चावल का आटा लेंगे, और ये कॉर्नफ्लोर है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। तो आपके चिप्स कितने हैं, अगर ज़्यादा हैं तो आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं सभी चीज़ों की। मैंने तीन आलू लिए थे, तो उसके हिसाब से ही मसाला बना रही हूँ। अभी यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तो थोड़ा सा मैं ये डाल दूँगी, 1/2 चम्मच ये भी डालूँगी। और ये रेड फूड कलर है, रेड फूड कलर ऑप्शनल है, लेकिन जो बाज़ार में मिलते हैं ना, उनमें रेड कलर मिला हुआ रहता है, इसलिए वो देखने में रेड दिखते हैं। तो यहाँ पे इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी, और नमक स्वाद के अनुसार डालना है। इन सबको मैं मिक्स कर दूँगी। अभी यहाँ पे दूसरा वाला पाउडर बना लेंगे, ग्रीन कलर वाला। तो उसके लिए भी सेम ही चीज़ें लेंगे हम, 1 चम्मच बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। और इसमें अभी ये ग्रीन कलर बना रहे हैं, तो इसमें मैं पुदीना का पाउडर है, मैंने घर पे ही बनाया था पुदीना पाउडर, तो थोड़ा सा ये डाल देंगे, और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, ये हरा कलर जो मार्केट में मिलता है ना, थोड़ा सा ये डाल देंगे। और नमक स्वाद के अनुसार इन सबको मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने अलग अलग 2 पार्ट कर लिए हैं इसके, क्योंकि एक रेड बनाना है और एक ग्रीन बनाना है।
तो यहाँ पे मैंने ये खलबट्टा ले लिया है, इसमें 4-5 लहसुन की कलियाँ डाल के इन्हें अच्छे से कूट लेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम लहसुन को अच्छे से कूट लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। लहसुन ऑप्शनल है, लेकिन जो मार्केट में मिलते हैं उनमें जो टेस्ट आता है ना, जो स्वाद आता है, वो लहसुन की वजह से अच्छा आता है। तो ये लहसुन को मैं दोनों में मिक्स कर लूँगी, अलग अलग हाफ हाफ दोनों में मिला दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये पेस्ट है ना, तो कहीं पे लगेगा कहीं नहीं लगेगा, तो इन्हें अच्छे से मिलाना पड़ेगा इसको। अभी इसमें जो मसाला बनाया था हम लोगों ने कलर वाला, वो डाल देंगे इसमें। तो थोड़ा 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 करके हम मिलाएंगे इसमें। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, अगर ये ड्राई लगेगा ना तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नमक डला है ना, तो अभी नमक डला है तो उसकी वजह से ये पानी छोड़ेगा। तो देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी ये इतना ड्राई दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर में इसमें मॉइस्चर आ जाएगा नमक की वजह से। तो धीरे धीरे करके इसमें भी हम सारा मिला लेंगे दोनों तरह से। इसमें भी और डाल दिया मैंने, देखो। तो चलिए अभी बनाते हैं। तो गैस को ऑन कर दिया है और तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, स्टार्टिंग में अच्छे से गर्म होना चाहिए, फिर बीच में हम लोग इसको लो मीडियम रख लेंगे, ना बहुत तेज़ और ना बहुत धीमी। तो स्टार्टिंग में तेल गर्म होना चाहिए अच्छा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैंने गैस को लो मीडियम पे कर दिया है, ना बहुत तेज़ है और ना बहुत धीमी है। थोड़ा क्रिस्पी होने तक इन्हें हम सेकेंगे। ये हैदराबाद के बहुत ही फेमस चिप्स हैं, इसको हॉट चिप्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और इसमें थोड़ा सा हम लोग करी पत्ते भी डालेंगे अभी। तो यहाँ पर मैंने करी पत्ते लिए हैं, तो 7-8 करी पत्ते और ये एक हरी मिर्ची। ये करी पत्ते से भी स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसका खुशबू भी आ जाती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। यकीन मानिए, जब आप घर पे बनाएंगे ना तो बिल्कुल मार्केट के जैसा स्वाद आएगा। पहले मुझे नहीं लग रहा था कि ये मार्केट के जैसा लगेगा, लेकिन जब मैंने बनाया और खाया तो बिल्कुल मार्केट के जैसा ही स्वाद था इनका। तो हम और सेक लेंगे इसी तरह से। जब हम चिप्स कढ़ाई में डालते हैं ना, तो हमें उंगलियां फैलाते हुए डालना है इसको, एक एक चिप्स, जिससे कि उसमें गिरेगा तो ये साथ में चिपकेगा नहीं, नहीं तो ये साथ में चिपक जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हम चिप्स बनाएं तो उंगलियां फैलाते हुए हमें ऐसे चिप्स को उसमें एक एक करके ऐसे डालना है, क्योंकि जो हमने मसाला इसमें मिलाया था ना, उसमें नमक था, उसकी वजह से ये गीला हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ग्रीन कलर वाले भी सेक लिए हैं, इसमें भी हम करी पत्ता और हरी मिर्च डालेंगे। करी पत्ते से स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने ये सभी सेक लिए हैं, देखिए कितने अच्छे बने हैं और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।